सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है हमारे चैनल टीएच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, अभी जो है मेरे को एक डिमांड आया था, मैंने कमेंट जब मैं चेक कर रहा था अपने यूट्यूब पे, तो मुझे एक डिमांड आया था कि ये जो अपना सब ऊपर है, इसके वीडियो में कमेंट आया था कि जो अपना TPA 3116D2 वाला एम्पलीफायर है, जिसमें कि हम 10 इंच का जो सब ऊपर बेस ट्यूब यूज करते हैं, उसमें हम इस 5 इंच वाले को टेस्ट करके देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज इसको टेस्ट करके दिखा दूंगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं उसको सीरियसली लेता हूं, ऐसे नहीं कि आप लोगों को ओके बोल के और मैं वीडियो नहीं बनाता। तो देख सकते हैं वीडियो आ चुका है, अगर मेरे से पॉसिबल हो पाता है तो मैं जरूर बनाता हूं वो वीडियो को। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, मैं अभी बना दूंगा आप लोगों को। मैं दिखा दूंगा कि TPA 3116D2 वाले एम्पलीफायर से इसका कैसा साउंड क्वालिटी निकलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो एम्पलीफायर मैं बाहर से तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो टावर में फिट हो चुका है। लेकिन टावर के जो है पीछे हिस्से में जो है उसका मतलब सब ऊपर के लिए एक आउटपुट है, तो उससे मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करा दूंगा। और एक्सटर्नल और कोई सब ऊपर कनेक्टेड नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ यही सब ऊपर को हम कनेक्ट करके टेस्ट करेंगे साउंड क्वालिटी को। तो चलिए फ्रेंड्स साउंड क्वालिटी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं, ये टावर है, इसके अंदर जो है TPA 3116D2 वाला वो 200 वाट का एम्पलीफायर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है सब ऊपर को ऐसी कनेक्ट कर दिया। अभी जो है मैं पहले इस बोर्ड को पावर ऑन कर लेता हूँ। तो इसमें अभी जो है मैं 65 वाट का लैपटॉप चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी इसे ऑन कर लेता हूँ। और स्पीकर सामने लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेस आ चुका है और ये मोबाइल से पेयर भी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ मैं पहले, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ ये ऊपर। तो फ्रेंड्स इसमें जो है सिर्फ बेस आएगा और आगे जो है स्पीकर्स लगे हैं, उसमें से जो है आवाज़ भी आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका क्वालिटी। यहाँ पे सॉन्ग को पॉज कर प्ले कर लेता हूँ। अभी जो आप लोगों ने देखा, ये जो था टीपीए वाले बोर्ड से इसका बेस टेस्ट था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को भी लगा होगा कि 10 इंच के मुकाबले इसमें जो है काफ़ी कम बेस आ रहा है, तो उसका मैं आप लोगों को रीज़न बता दूं। पहला रीज़न तो ये है कि ये बॉक्स में नहीं है, इसलिए बेस जो है इसका अच्छे से फील नहीं हो रहा। और दूसरी बात, ये बोर्ड जो है 4 ओम को सपोर्ट, सबवूफर 8 ओम का है, तो फ्रेंड्स उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है 8 ओम और 4 ओम में। 8 ओम में जो है कंपेरेटिव 4 ओम से कम बेस आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग 4 ओम मिल रहा है तो 4 ही लीजिए, क्योंकि 8 में थोड़ा सा कम बेस आता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें जो है कम बेस आ रहा होगा फुल वॉल्यूम पे भी। तो बाकी जो है बेस इस स्पीकर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसको जो है आप TPA के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कि आप लोग 8 इंच से ज़्यादा का ही यूज़ करें TPA के साथ, तो आपको काफ़ी अच्छा बेस क्वालिटी मिलेगा। 5 इंच जो है फ्रेंड्स आपको वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा जो 8 इंच या 10 इंच में मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा। और फ्रेंड्स ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आपको हमें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स हम लोग गिव अवे वगैरह करते रहते हैं, इस सब ऊपर का गिव अवे भी अभी चल रहा है चैनल पे। आप लोग गिव अवे वाले प्लेलिस्ट में जा करके या फिर इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो में इसको देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को मैं जो है ये ऐसा वाला सेम ऊपर जो है फ्री में दूंगा जो भी गिव अवे का विनर होगा उसको। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी जरूर से पार्टिसिपेट करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज जय।